Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Hi, hi. Happy birthday to you. Fine. Ice cream cake, cake, cake. बस यही है कि ऐसा ही करता रहे और लोगों का मनोरंजन करता रहे। लेकिन वीडियो देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा वीडियो। और वीडियो में जो इन्होंने इमोशन दिखाया है, शायद अच्छे अच्छे अभिनेता ना कर पाए, लेकिन उन्हें जो शुरू से इनका जो योगदान रहा है इस प्रति, तो बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा लगा मुझे आए। और इसी बीच में हमारा जन्मदिन भी था, जन्मदिन भी मनाया गया, केक वगैरह का काटा गया, तो काफी मिला के, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। तो आप सहयोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि सहयोग की वजह क्या? सहयोग इसलिए करते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति है, नेचर अच्छा है और मीडिया का सम्मान करता, मैं भी मीडिया से हूँ, सम्मान करता, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और जिस सम्मान का हकदार है सबको, उसे मिलना चाहिए। अच्छा, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं कल्याण जी? मैं कल्याण से आज करीब 7-8 साल हो गया मेरा जुड़े हुए, और हमेशा डैडी डैडी करके हमें सम्मान दिया है और उस सम्मान को हम एक्सेप्ट भी किया और हमने सपोर्ट भी किया इनको। तो जो हमने सपोर्ट किया है और जो आगे भी हम करते रहेंगे, ये मेरा मानना है। सबसे पहले मेरे जितने भी न्यूज़ वो छपाते हैं, मेरे बाऊजी मेरे गांव में है, एक मेरा यहाँ पे है, तो मेरे हर वक्त मुझे साथ दिया है। मेरे जितने भी न्यूज़ मेरा, मतलब जो भी मैंने दिया इनको, मुझे छपाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, कभी भी मेरा छपा है। सर थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आप जियो हजारों साल सर, और मेरा ऐसे मुझे साथ दो। और थैंक यू फॉर गुना टाइम्स। गुना टाइम्स मेरा मीडिया पार्टनर है जो मुझे फुल पेज देता है मुझे, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल मीडिया, एंड थैंक यू मेरे ऑल गेस्ट, और थैंक यू मेरे शाहरुख अभी आए थे मेरा दोस्त, एंड थैंक यू गुत्ती, एंड थैंक यू मेरा ऑल ग्रेस्ट। एंड सबसे बड़ी बात है मेरा जो आज एल्बम जो लॉन्च हुआ जिसका नाम है ए दोस्ती, ये एल्बम आपको देखने मिलेगा। कल्याण जी जाना लाइव टीवी एंड डांस ये चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ, छोटा सा एक्टर हूँ, और छोटा सा एक्टर का प्लीज़ एक कोशिश किया मैंने, ये वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि ये गाना सुपर हिट गाना है। ए मेरे दोस्त लौट के आ जा जिंदगी, मतलब इतनी खूबसूरत सॉन्ग है, उस सॉन्ग में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और थैंक यू सो मच सर, परफॉर्मेंस इन्होंने किया है बहुत काबिल तारीफ है और मुझे बहुत पसंद आया। और आगे अगर मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा तो मैं जरूर लूंगा इनसे। थैंक यू सो मच। तो सवाल ये कि जो एल्बम का लुक देख लगा, ये दोस्ती है शोले लुक याद आ गया मुझे। हां जी, बाइक बैठे होता सर, अपना गाना बनाया क्या? नहीं सर, ये दोस्ती हमने ये दिखाया है जो बेसिकली एक दोस्त होता है जो उनकी ज़िंदगी से वो चला जाता है, तो उसका जो याद रहता है, उसका जो पल रहता है, उसका जो बीता हुआ पल रहता है, वो हमने वो दिखाया और उसके दर्द हमने वो दिखाया है। तो प्लीज़ आप लोग देखना जरूर ये दोस्ती, ये आपको मिलेगा कल्याण जी जाना लाइव टीवी एंड डांस जो चैनल है उसमें आपको मिलेगा, आप घाई मत कीजिए। और तो ये सब आपको मिलेगा, ये बहुत घाई करता बंदा, तो आप लोग मोहब्बत करता हूँ, मैं आप सभी से मोहब्बत करता हूँ, मेरी मीडिया जो है इन सभी से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन यार मीडिया जो भाई और बहनों, मैं मेरे बात सुनिए भाई, आप लोग घाई मत कीजिए भाई, मैं बारिश बाहर बारिश गिर रहा है। भाई सिंगर वही है जो बड़े सिंगर है जो गाना गाए वही है, इसमें कोई सिंगर नहीं है, उसी ओरिजिनल सॉन्ग को हमने वीडियो बनाया। और मेरी जो फिल्म अभी है मैं हूँ ऑटो वाला, ये फिल्म शुरू हो रहा है इस महीने में 7 तारीख से, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी की प्यार चाहिए, आप सभी की दुआ चाहिए, तो प्लीज़ ये फिल्म मेरा जल्दी जल्दी बन जाए, मार्केट में आ जाए। हाँ सर, ये उसकी बात मानेंगे, इष्ट गुना है, तो ये भी दो फिल्म है, दो फिल्म का मैं बैक टू बैक कर रहा हूँ, और बैक टू बैक तो कर रहा हूँ। थैंक यू बोलता हूँ मैं, जो बूम पकड़े हैं उनके हाथ दुख रहा है, लेकिन तभी भी उनको दोनों को थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर कैमरा जो लेके खड़े हैं, आई लव यू सर, आई लव यू ऑल, एंड थैंक यू माय गेस्ट, थैंक यू रमेश गोयल जो हर वक्त मुझे साथ देता है, आई लव यू, जिन्होंने 400 फिल्म में काम किया है, एंड थैंक यू नासिक से आए मेरी देशमुख सर, एंड थैंक यू बर्थडे बॉय राजकुमार तिवारी एंड कीर्ति बंसल, लव यू ऑल। एल्बम तो बहुत अच्छा है, और कल्याण जी के बारे में क्या कहना है, कल्याण जी तो गरीब का एक्टर तो है ही है, लेकिन आज इतने सफल प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो मेरे हिसाब से उनकी जो मेहनत है वो काबिल-ए-तारीफ है,
और इनको इसका श्रेय मिलने वाला भी है, मिल भी रहा है, और इससे ज़्यादा उनकी तरक्की हो ऐसी हमारी शुभकामना उनके साथ में। तो किस तरह सहयोग करने वाले हैं आगे उनके करियर में आप? उनके करियर में हम लोग पहले से ही उनके साथ शामिल है ही, उनको जो भी सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम लोग करने का पूरा प्रयास करते हैं हमारी तरफ से, और सब अभी चल ही रहा है, धीरे धीरे सब हो भी जाएगा उनके साथ में। अभी जो फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो फिल्म हो भी चुकी है और दो लॉन्च करने वाले, तो हम लोग उनके साथ में है ही, हर तरह का सहयोग हम लोग करते हैं। जैसे इस एल्बम का नाम ये दोस्ती, आपकी और कल्याण जी की दोस्ती कितने साल? बहुत गहरी दोस्ती, अभी 6 साल हो गए लगभग हम लोग साथ में ही है और साथ में ही चल रहे हैं और भी आगे चलेंगे, दोस्ती कायम रहेगी। कल्याण जी के बारे में क्या बोलना है? कल्याण जी के बारे में तो गरीबों के एक्टर है वो, लेकिन कल्याण जी का जो ये एल्बम जो अभी लॉन्च हो रहा है, आज शाम को लॉन्च होगा ना? हाँ, शाम को लॉन्च हो रहा है। ये देख के तो एकदम जैसे एकदम दिल खुश हो गया, एकदम ऐसा लगा कि नहीं एकदम रियली रियली एक्टिंग जो है। तो कल्याण जी जाना बहुत ही आगे जाएंगे अभी तब से, और दो पिक्चर भी उनकी अभी 5-7 जून से रिलीज होने वाला, शूटिंग चालू होने वाला है, एक इश्क गुना है और दूसरा मैं हूँ ऑटो वाला, तो दोनों उधर है पोस्टर, एक किए गए और एक इधर बाजू में। कल्याण जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग तो कर रहे हैं, सभी ने करना चाहिए। अच्छा, आप कितने सालों से जुड़े हैं कल्याण जी? 5-6 साल हो गए। रमेश जी आप बताइए, आप तो काफी काम कर चुके हैं, आपको फिल्म भी लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर कैसे हैं, अभिनेता कैसे हैं, इंसान कैसे हैं कल्याण? देखिए, जब से कल्याण जी प्रोड्यूसर हैं तब से मैं उनका एक्टर हूँ, वो मुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं। इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि एक नेक इंसान, नेक प्रोड्यूसर, एक्टर भी हैं, वो हीरो भी हैं, डांस डायरेक्टर भी हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, सर्वगुण संपन्न हैं और अबव ऑल गरीबों के एक्टर हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी हर जगह उनके साथ रहता हूं और हर प्रपोजल में रहता हूं। ये एल्बम में जो देखा अभी, जिस तरह से एल्बम इन्होंने पिक्चराइज की है, सुपर, तबीयत खुश होगी, और गाना कितना बढ़िया सेलेक्ट किया। तो इसलिए कल्याण जी भाई जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ज़रूर खास बात होती है, इस एल्बम में भी खास बात है। और जो अभी जो बताया मेरे पहले कि दो प्रोजेक्ट और स्टार्ट हो रहे हैं, मैं हूँ ऑटो वाला और गुना इश्क है, उन दोनों में काम कर रहा हूँ मैं और इम्पोर्टेंट रोल कर रहा हूँ। तो मैं तो कल्याण जी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे साथ रखते हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कल्याण जी भाई इस तरह से आगे बढ़ते रहें और हम सब लोगों को एंटरटेन करते रहें, पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन करते रहें। ऑल द बेस्ट सबसे पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो मीडिया जो है, जो कैमरा लेके खड़े हैं, बहुत मेहनत करते हैं इन लोग, जो बूम पकड़ के वो खड़े हैं, इन लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और जहाँ बुलाता है इन लोग आ जाता है। इसे सबसे पहले मैं मीडिया को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, जो मीडिया है बोल के आज मैं हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा गरीब इंसान हूँ तो मीडिया ने मुझे बनाया, तो सबसे पहले मीडिया को दिल से बड़ा सैल्यूट। मीडिया है जहाँ कल्याण जी है वहाँ। कल्याण जी ये बता, एल्बम में जो बनाया है, कहाँ से प्रेरित हुए एल्बम बनाने के? काफी जज्बाती एल्बम है ये। जुबैर खान बोल के है, मेरे साथ में जो काम किए हैं जुबैर खान, वो एक अच्छे मेरे दोस्त हैं और तमाम मेरे साथ में मेरी फैन है, जैसा मेरा बड़ा भाई है, इनको मैं फैन भी बोलता हूँ। देशमुख साहब नासिक से आए हैं, बहुत अच्छे बिल्डर है, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे ढूंढ लेंगे मंजिल हमसे मुझे साथ दे रहा है, और बड़ा भाई तो है ही, साथ साथ में एक मेरा फैन एक फ्रेंड है, और उसके बाद मेरा एम के ओ खान बोल के है, जो बहुत अच्छे एक्टर है, अच्छे इंसान है, मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद राजकुमार तिवारी जी, जिसको मैं बाऊजी बोलता हूँ, लेकिन वो मेरे हर वक्त मुझे साथ देते हैं। तो तमाम जितने भी मेरा फ़ैन है, जैसा ये जो है, ये इंसान इंसान नहीं है, देवता है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो भी दिया है और मेरे लिए काम किया है, तो ये तमाम जो मेरा फेसबुक फ़ैन है, तमाम जो मेरे दोस्त है, तमाम जो मेरा फैंस है, उन सभी के लिए मैंने ये एल्बम बनाया। ये किस अगर मैं हूँ तो मेरी जो फैंस है, मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो जितना भी दोस्त है, जैसा ये मेरा यहाँ पे खड़ा है मेरा दोस्त, और उसके बाद सादाम भाई बोल के है मेरा भाईजान, वो तो तमाम दोस्तों के लिए, तमाम मीडिया जो मेरा फ़ैन है, उनके लिए मैंने ये एल्बम बनाया सर। कल्याण जी, आपके कोई जिंदगी में कोई करीबी दोस्त जिसकी याद में बनाया हो, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई करीबी दोस्त जिसके सामने बचपन में खेला कूदा हो? हाँ, ये आपने बहुत सही बोला है। मेरे एक दोस्त था, मतलब गाँव में,
वो मुझे एक एक रुपया मुझे हेल्प करता था, तो आई लव यू, क्योंकि वो ये दुनिया में नहीं है। आपने बहुत सही बोला, मैं उनके लिए ये बनाया मेरा एल्बम, क्योंकि उसने मुझे जब मैं जाता था स्कूल तो हम लोग के लिए 20 पैसा मिलता था, मेरी मम्मी देता था, लेकिन उसके पास था 1 रुपया, तो 1 रुपया वो देता था मुझे और मुझे बोलता था ये आइसक्रीम खाएंगे। हम लोग जाते थे 1.5 रुपये में पिक्चर का हॉल, पिक्चर देखने के लिए। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन वो अभी दुनिया में नहीं है और गाँव में थे, तो मैंने सोचा उसको, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उसके लिए एक गिफ्ट दूँ उनको मैं। और थैंक यू मेरी फैंस, मेरे फ्रेंड देशमुख सर जो मेरे नासिक से आए हैं, एक खाली झलक, बड़ा कल्याण जी तुमको झलक दिखा के मतलब जाएंगे, तो थैंक यू। थैंक यू रमेश गोयल सर, थैंक यू राजकुमार तिवारी जी, थैंक यू एम क्यू खान, एंड थैंक यू जुबेर भाई जो वो मेरा फ्रेंड का जो मेरा फ्रेंड है उनका वो किरदार वो निभाया। थैंक यू जितने भी लोग आज आए हैं ऑडिशन देने के लिए, एंड थैंक यू मेरा ब्रदर, एंड थैंक यू कीर्ति बरंसाल जो मेरी पीए है, और तमाम सादाम भाई है, तमाम लोग हैं मेरे साथ में। एक बहुत अच्छे कलाकार जो गुत्थी का गुत्थी की प्ले करता है, मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने आए, दोस्त है मेरा आए है आज, ये भी मेरी फिल्म में काम कर रहा है, जो 7 तारीख से एक मेरी फिल्म शुरू हो रहा है जिसका नाम है मैं हूँ ऑटो वाला। धमाकेदार बहुत अच्छे एंट्री मैं कर रहा हूँ ऑटो वाला का कॉस्ट्यूम पहन के। तो इसमें आपने गुत्थी को आपने देखा है सुनील गोबर जी को, तो गुत्थी का जो करेक्टर है वो फिल्म के अंदर ये निभाएगा, और बहुत अच्छे कमाल के धमाल के एक्टर है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा एक्टर है, धमाल के कॉमेडियन है। और सबसे मैं सभी का इतने बोलता, मेरी पिता माता गुरु और मेरे प्रोड्यूसर, मेरी माँ शंकरी जाना और आरती मम्मी, और जितने भी मेरे फैंस हैं, जितनी मेरी मीडिया है और जितने ही मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे आए, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, एंड थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू, बस ऐसे मुझे साथ देना, बस छोड़ना मत मुझे, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग से जाना चाहो कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मौका देना फिल्म में काम करने का? जी कल्याण जी को बस अपने अंदाज में यही कहना चाहता हूँ कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदा दिल दिल लगी मांगे आपसे, आपके जीवन में इतना उजाला हो कि कुछ सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। सबसे पहले मैं मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम गणेश कुमार विंध है, जो कि मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का हूं, जो कि कल्याण जी ने हमें यहां तक आने का मौका दिया, मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूं। मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि काश खुशियों की दुकान होती, काश खुशियों की दुकान होती और उसकी हमें पहचान होती, सारी खुशियाँ खरीद के कल्याण जी की झोली में डाल देता, चाहे तो बदले में हमारी ही जान होती। तो जो कि मैं हूँ ऑटो वाला, इस फिल्म में हमको इन्होंने मौका दे रहे हैं, जो कि चौथा हीरो का रोल कर रहा हूँ ऑटो पहन के कल्याण जी के साथ में, इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी को, नमस्कार। मेरा नाम राम प्रकाश पांडे है और मैं एक्टर हूँ, यूपी से हूँ, और थैंक यू फॉर कल्याण सर जी जिन्होंने हमें ऑडिशन पे बुलाया और अपने फिल्म में ऑडिशन देने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से कल्याण सर जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे रमेश गोयल सर जी भी आए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, और बेस्ट आप लग कल्याण सर जी। नमस्ते, मैं प्रीतम कुमार हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अभी तत्काल में लोनावला में रहता हूँ। ठीक है, कल्याण भाई से मुझे यूट्यूब के द्वारा उनसे पहचान हुआ। ठीक है, यूट्यूब के द्वारा पहचान होने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, उनकी बात करने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और वास्तव में मुझे फिल्म में आने का इंटरेस्ट था, तो इन्होंने मुझे सहयोग दिया, मतलब इनके माध्यम से मैं इस लाइन में आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई तरह का कठिनाई नहीं है, शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन बाद में सब एडजस्ट हो जाएगा, तो आप आइए। ठीक है, मेरा नाम उत्तमीर पाल है, मैं पुणे से आया हूँ। सबसे पहले मैं कल्याण सर जी को नमस्कार करता हूँ और उनकी पूरी टीम को, और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सर हेलो, सर जी को यूट्यूब पर जब मैं वीडियो देखा था तो उसमें मोबाइल नंबर मिला सर को, तभी सर से पहचान हुआ था, और ये खुशी की बात है कि सर ने मेरे को एडिशन में आने का मौका दिया और सर ने मेरे को बुलाया, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताओ सर। सर मेरा नाम महिपाल है, मैं यूपी बरेली से रहने वाला हूँ। मेरा सर का जो है यूट्यूब से संपर्क हुआ, मैंने सर से बात करी,
तो सर ने कहा ठीक है आइए, मैं आपके लिए कुछ राह बताऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। ओके, कीर्ति बंसल यूपी से आई हूँ और कल्याण सड़क की वजह से वो मुझे इसके गुना है, इसमें मुझे रोल दे रहे हैं, काम दे रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच कल्याण सर एंड थैंक यू मीडिया। सदाम हुसैन, मैं बदलापुर से आया हूँ। ये सर ने मुझे ये पिक्चर जो रोल आया है, मैं हूँ ऑटो वाला, उसके अंदर मुझे रोल मिला है। जो हीरोइन जब होटल में आती है तो उनको मैं खाना लेके जाता हूँ साथ में, ये रोल। और जो मतलब और भी रोल है उसके अंदर, मतलब अभी सब धीरे धीरे हो जाएगा उसमें।